तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी लेके आई हूँ सरस्वती पूजा का। जो सरस्वती पूजा के बाद जो दूसरा दिन खाया जाता है खिचड़ी, तो बिना लहसुन प्याज का है। तो मैं यहाँ ले ली हूँ आलू, शिमला मिर्च और गाजर और पत्ता गोभी, और आलू है, मटर है, इधर टमाटर है, अदरक है, और मिर्च और कुछ नहीं। इधर मैं ले ली हूँ चावल और रहर दाल और मसूर दाल ले ली हूँ। तो मैं ये कुकर में बना रही हूँ। तो इधर मैं सरसों का तेल ले ली हूँ। तो जो है वहाँ का जो खिचड़ी है ना, तो दूसरा चावल लिया जाता है। तो मैं घर का चावल से, जो नॉर्मली घर में जो खाया जाता है, मैं उसी चावल से बनाऊँगी, उसी टेस्ट का। तो यहाँ मैं 2 इलायची, लौंग और दालचीनी और जीरा मैं ले ली हूँ, और थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ, उससे बहुत ही अच्छा खुशबू है। ये मिर्ची मैं डाल दे रही हूँ, और मिर्ची सारे मसाला जब डाल के जो है मैं सब्जी काटी हूँ, मैं जो है इसमें मैं कुकर में डाल के 1 या 2 मिनट में इसको भूनूंगी, इसको डालकर। तो ये मैं डाल दी हूँ, और जो अदरक है मैं इससे घिस ले रही हूँ अदरक को, और डाल के बहुत ही अच्छे से इसका मैं भुनाई करूँगी। इधर में तो मैं कुछ मसाले रख देती हूँ, जैसे कि मैं धनिया पाउडर रखूँगी इसमें, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और मीट मसाला, नो मसाला है। तो मैं ये सब डाल रही हूँ, और तेज पत्ता डालूँगी मैं। तो इधर मैं तेज पत्ता डालूँ, तेज पत्ता से बहुत अच्छा खुशबू आता है। यह मैं गोभी भी रखी हूँ, गोभी डाल मैं बोलना मैं भूल गई थी मैं, तो यहाँ मैं गोभी भी रखी हूँ, और यहाँ हल्दी डाल दे रही हूँ, जो आप मसाला मैं आपको बोली हूँ, सारे मसाला मैं इस जगह पर डाल दी हूँ। और जो है डाल के इसका, ये देखिए, तो मैं दोनों चीज़ थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। तो सब डाल के जो है भुनाई में करूँगी। इस जगह पर मैं टमाटर डाल दूँगी, तो इसका संग बहुत ही अच्छा टमाटर भी बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो यहाँ कुकर में बना रही हूँ, तो ऐसे ही सारा चीज़ गल जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो इसको मैं सारे मसाले डाल के बहुत ही अच्छे से भुनाई कर दूँगी। और मेरे चैनल पर आप नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तो यहाँ मैं नमक डाल दी हूँ टेस्ट के हिसाब से, तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इधर बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुका है, तो मैं इस जगह जो दाल चावल में धो के रखी थी, तो मैं डाल दूँगी इधर में। जो दाल चावल जो है, दाल चावल को भी रख के मैं 1 मिनट तक थोड़ा सा मैं इसको मैं भूनूंगी। तो इसका साथ इसको अच्छे से भूनूंगी। इसका साथ जो है मैं आलू पहले से कट करके रखी हूँ, तो मैं आलू और बैंगन को फ्राई करूँगी इसका साथ। तो जो खिचड़ी होता है ना, तो इसका साथ आलू बैंगन ये सब फ्राई होता है, अच्छा लगता है। तो सरस्वती पूजा होता था, हम लोग सिर्फ खिचड़ी खाने जाते थे, भोग खाने जाते थे, भोग कहा जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैं सोचा, और खाने में इतना टेस्टी होता है, ऐसे कुछ लाजवाब। तो हम लोग ज़्यादा करके खिचड़ी माने जो भोग है हम लोग खाने जाते थे सरस्वती पूजा का बाद। दुर्गा पूजा भी होता है तो ऐसे ही भोग मिलता है बिना लहसुन प्याज के, और खाने में तो एकदम टेस्टी है। तो पूरा सेम तरीके से मैं उसी तरीके से मैं थोड़ा सा बनाई हूँ, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो मैं इस जगह पर 3 या 4 सीटी लगा लूँगी, बहुत ही अच्छे से चावल भी थोड़ा गल जाएगा, और इसका साथ जो है आलू फ्राई कर लेंगे। तो आलू फ्राई में मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ, और जितना आलू मैं कट करके रखी हूँ, तो आलू में जो पैन है उसमें मैं अच्छे से इसको मैं सुला दूंगी तेल में फ्राई होने के लिए। तो एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। तो बहुत ही तेल उड़ रहा था, क्योंकि जो आलू में थोड़ा सा पानी का नमी था अभी, इसीलिए। तो मैं ऊपर से छिड़क दूंगी थोड़ा सा नमक, नमक छिड़क दूंगी, थोड़ा सा हल्दी छिड़क दूंगी, और ऊपर से जो है लाल मिर्च पाउडर में छिड़क दूंगी। तो मैं छिड़ दूंगी, तो सभी में आ जाएगा बहुत ही अच्छा से कलर, और नमक भी आ जाएगा सही से। तो इसको मैं थोड़ा सा पलट दूंगी, देखिए तो आ चुका है कलर। तो इसी पैन में मैं बैंगन का जो बैंगन फ्राई भी कर लूँगी,
जो बंगाली में बेगुन भाजा बोला जाता है, तो बहुत ही तरीक़ा से फ्राई होता है। तो इधर देखिए खिचड़ी बन के तैयार है, और मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। चावल बहुत ही अच्छा से गल गया है, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। और खाने में सच में बहुत ही टेस्टी था, आप लोग ज़रूर बनाइए और खाइए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए सब लोगों को कैसा लगा। तो इस तरीके से बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। आप इसमें चाहते हैं तो 5 फोरन भी डाल सकते हैं। तो इधर मैं खिचड़ी में निकाल ली हूँ, और जो है इसका साथ जो है आलू फ्राई और जो बैगन भाजा है इसका साथ मैं रख देती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है, फिर नए वीडियो लेकर फिर मैं आप लोग से फिर नए तरीक़े से नया वीडियो लेकर आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी।